और दोस्तों भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में जहां मलिष्का और साथ में बलविंदर दोनों होंगे एक्सपोज। जी हां, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से ये कंफर्म हो गया है कि ये कांड करने वाला कोई और नहीं था, खाने में जहर मिलाने वाला वो बलविंदर ही था। क्योंकि दोस्तों आयुष और आयुष को पहले से ही मलिष्का पर शक है और आयुष ने लक्ष्मी से बोल दिया है कि लक्ष्मी भाभी ये हकीकत है कि दोनों की कुंडली एक ही है, यानी कि मलिष्का और बलविंदर की। दोनों ने ही हमेशा से ही गेम खेला है और अब हमें ये कुंडली मिलानी होगी आपस में कि आखिर इन दोनों ने क्या षड्यंत्र रचा है। इधर मलिष्का के फादर मलिष्का को समझा रहे हैं कि बेटा तुम निश्चिंत रहो, वो सैफ यानी मुकेश कुछ नहीं बोल पाएगा, उसका मुंह मैंने दबा दिया है। और दोस्तों हकीकत मुकेश ही बता सकता था, लेकिन दोस्तों अब हकीकत सीसीटीवी कैमरे से भी खुलेगी और फाइनली मुकेश को भी पूरी बात बतानी होगी। क्योंकि जहाँ पर मुकेश हर बात को छुपाता हुआ नजर आ रहा था और जब मुकेश पर पुलिस का दबदबा लगा रहेगा, उसके बाद में मुकेश सबरे राज को उगलता हुआ नजर आने वाला है कि आखिरकार वहां पे क्या हुआ था। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि मुकेश करेगा आखिरकार मलिष्का की हर चाल को पर्दाफाश, क्योंकि वो बताएगा कि मलिष्का ने किस तरीका से उसे होटल से भगाया था ताकि इस बात को कोई जान ना पाए। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि बलविंदर हमेशा से ही चार कदम आगे रहा है और बलविंदर भी अब मलिष्का के साथ में बहुत बड़ा गेम खेलेगा और फाइनली ये वो भी कंफर्म करता हुआ नजर आने वाला है। क्योंकि लक्ष्मी ने आयुष से बोला था कि मुझे बलविंदर ने बताया था कि मुझे फंसाने की साजिश हो रही है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सवाल है मलिष्का का लक्ष्मी को फंसाने का। लेकिन दोस्तों ऋषि भी जल्दी ही जेल से आएगा बाहर। जेल से बाहर क्यों आएगा वो आप लोग जानते ही हैं। जेल से बाहर इसलिए आएगा क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलेंगे ऋषि या लक्ष्मी के खिलाफ, उल्टा बलविंदर और मलिष्का पर अब तलवार लटक चुकी है। साथ ही दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करना चाहूँगा, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए।